स्वागत है दोस्तों मेरे YouTube चैनल में। और आज की इस वीडियो में फ्रेंड्स हम बताने वाले हैं जाली फिटिंग करने के बारे में। फ्लोर जाली और वॉल जाली दोनों हम फिटिंग करके बताएंगे किस तरह से इसको फिटिंग किया जाता है। तो मेरा नाम है अशरफ और आप देख रहे हैं मार्वल इन्फो। तो ये फ्रेंड फ्लोर जाली जो कि हम फिटिंग करने वाले हैं। ये देखिए इस तरह से इसका सेविंग है, किस तरह से ये सेव है। ये पूरा एक प्लेट के जैसा है और इसको इस तरह से रख के और कितना दूर इसको ग्रुप बनाना है वो हिसाब से रख के आपको पेंसिल से मार्किंग करना है। ये देखिए इस तरह से मार्किंग करना है और मार्किंग करने के बाद इसका जो है ये जाली बैठने का उस जगह पे थोड़ा सा डीप करेंगे। तो देख लीजिए किस तरह से हम डीप कर रहे हैं। तो फ्लोर फिटिंग करने टाइम में मार्बल जो हम फिटिंग कर रहे थे उस टाइम में हमने पाइप के अंदर एक बस्ता डाल दिया था, तो वो बस्ता हमने निकाल लिया। अब किस तरह से इसको पूरा फिटिंग करना है जाली को वो मैं बताऊंगा किस तरह से इसको फिटिंग करना है। तो फिटिंग करने के लिए देखिए मैंने अच्छे से कटिंग किया है पूरा, उसके जितना साइज का जाली था उसी साइज का ग्रुप बनाया। और ये जो एक बीच में हॉल देख रहे हैं वो है बेसन के पाइप जाएगा। तो ये देखिए पहले अच्छे से अंदर से इसको चारों साइड से सीमेंट से जो है इसको बराबर करना है ताकि पानी जो है छत में डैम्प ना हो, इसको अच्छे से भर देना है। ये देखिए इस तरह से पूरा सीमेंट को अच्छे से पूरा पैक करके फिर ऊपर भी देके और इस तरह से आपको रख देना है। और जो भी इसका मार्बल जो है मार्बल से सिर्फ एक सूता नीचे रखना है जाली को ताकि पानी निकल जाए। ये देखिए एक सूता डीप करना है, ज़्यादा डीप नहीं करना है, हाफ से एक सूता। ये देखिए इस तरह से इसको फिटिंग किया हमने। और ये जो बीच में हॉल देख रहे हैं इसमें बेसन का पाइप जाएगा, इसलिए यहाँ पे एक हॉल वाला जाली लगाया गया है। और वाल जाली किस तरह से फिटिंग करता है वो देख लीजिए। इसको इस तरह से रख के और नीचे इसको जो है कटिंग करेंगे, ये जाली अंदर जाएगा। ये देखिए इस तरह से आप काटते जाइए और चेक करते जाइए, एक ही बार ज़्यादा काट मत दीजिए, अच्छे से काटिए और चेक कीजिए, उसके बाद इसको जो है पूरा फिटिंग कीजिए। तो ये कटिंग मेरा पूरा कंप्लीट हो गया है। तो अब जो एक्स्ट्रा मार्बल अंदर में है उसको तोड़ के निकाल देंगे क्योंकि पानी जाने में डिस्टर्ब करेगा वो, तो उसको तोड़ के पूरा निकाल देंगे, कटिंग करके तोड़ देंगे उसको। उसके बाद किस तरह से इसको फिटिंग करना है वो देखिएगा। इसको भी हम अंदर में अच्छे से वाइट सीमेंट भर देंगे, डैम्प नहीं होगा। ये देखिए इस तरह से सीमेंट हमने दिया और नीचे भी अच्छे से सीमेंट दे देंगे ताकि दीवार जो है डैम्प ना हो। इसको भी इसी तरह से लगाना है। देखिए ये पूरा स्ट्रेट जाली रहेगा और इस तरह से अच्छा से सीमेंट भर के इसको कपड़ा से पोंछना है। और जब भी आप जाली फिटिंग करें तो पॉलिश होने के बाद फिटिंग करें, पॉलिश के पहले फिटिंग ना करें क्योंकि पॉलिश टाइम में ये पूरा जाली जो है गंदा हो जाएगा। पॉलिश होने के बाद फिटिंग करें। ये देखिए इस तरह से आपको वाल जाली फिटिंग करना है। और एक और मैं वाल जाली जो है बेसन का फिटिंग करने बताऊंगा किस तरह से उसको फिटिंग करना है।
ये देखिए, ये जो है पूरा कंप्लीट हो गया है। वॉल जाली इस तरह से लगाया जाता है, और फ्लोर वॉल का जो एक बेसन का जाली लगता है वो किस तरह से लगता है वो मैं आप लोगों को बता देता हूँ किस तरह से आपको लगाना है। तो ये देखिए, इस तरह से जो देख रहे हैं इस तरह से आपको नहीं लगाना है, और किस तरह से इसका सही तरीका है लगाने का, ना ही इस तरीका से लगाना है। तो पहले इसको हम नीचे कटिंग करते हैं, और फिर हम देखिए कटिंग करने के बाद जो अंदर में एक्स्ट्रा मार्बल है उसको तोड़ के निकाल देंगे। तोड़ के निकालने के बाद उसको किस तरह से फिटिंग करना है वो देख लीजिए। ये पूरा अच्छे से साफ़ कर ले, और पूरा इसका प्रोसेस जो है मैं बता दे रहा हूँ, आप आसानी से जाली फिटिंग कर सकते हैं किस तरह से इसको फिटिंग किया जाता है। ये देखिए, इस तरह से इसको पूरा चेक करना है। ये देखिए, पूरा जो है इसका घाट बना दिया, और ये देखिए इस तरह से ये पूरा इसका जो है उस जगह पे बैठने का एक सूता डीप कर देना है मार्बल में, ताकि जाली अंदर बैठ जाए। और कोशिश करें कि अंदर करके लगाने का, बाहर नहीं। कम से कम एक सूता अंदर रखिए जो स्कटिंग लगा हुआ उससे। तो ये देखिए, इसको भी हम पहले अंदर अच्छे से मसाला भरेंगे, वाइट सीमेंट जो है, और वाइट सीमेंट अच्छे से पहले भर देंगे ताकि वाल जो है डैम्प ना हो। अच्छे से भर के उसके बाद ऊपर से भी सीमेंट लगाएंगे वाइट वाला, और उसके बाद देखिए इस तरह से इसको खड़ा करेंगे। तो यहाँ पे जो है बेसन वाला जाली है, जो हैंड वॉश बेसन होता है, तो उसका भी एक पाइप इसमें जाएगा जाली में। तो वो जो जिसमें पाइप जाएगा वो चीज़ को ऊपर रखना हमेशा, क्योंकि अगर उसको नीचे कीजिएगा तो अराउंड 1.25 इंची या 1 इंची जो हम जाली अंदर किए हैं वो हॉल जो है आधा ढक जाएगा। तो हमेशा ये चीज़ ऊपर रहता है। और इसको अच्छे से जो सीमेंट लगा हुआ है उसको कपड़ा से साफ़ करेंगे, और जो नीचे है उसको स्क्रू ड्राइवर से हम साफ़ कर रहे हैं अच्छे से। देखिए, उसको जो है अच्छे से पूरा रास्ता को क्लियर कर देना है, पानी जाने में डिस्टर्ब ना हो। तो समझ गए होंगे किस तरह से जाली फिटिंग किया जाता है। अगर आप लोग कमेंट करेंगे तो इसको किस तरह से कटिंग किया जाता है वो मैं एक वीडियो बना दूंगा। तो फ्रेंड, उम्मीद करता हूं आप लोगों को समझ में आ गया होगा किस तरह से जाली लगाना है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें, और आप हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं इसी तरह का इंटरेस्टिंग वीडियो अपने चैनल पर लाता रहता हूं। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही, फिर मुलाकात होगी नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।